हेलो फ्रेंड्स, मैं बाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, और मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल। यानी पॉलीमरिक मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी कौन कौन सी होती हैं और कैसे वर्क करती हैं, और उसके बीच में हमारे कौन कौन से एप्रेटस जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का, पहले हम इसको जान लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी, जब किसी सैंपल पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तब हम उसके जो बिहेवियर होता है उसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपके इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर दोनों ही पर डिपेंड करती है, और जो इस पर स्ट्रेंथ, जो हमारा सैंपल होता है उस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, उनको एक्सप्रेस करती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो लोड होता है या हम फोर्स लगाते हैं वो आपका कई तरीके से उस पर वर्क करता है, और उसकी वजह से जो डिफरेंट जो हमारे सैंपल होते हैं उन पर वो उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट रहता है, जो कि हम डिफरेंट कंपोनेंट द्वारा हम उसको कैलकुलेट करते हैं या फिर एवेलुएट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फटीग, क्रीप, हार्डनेस, फ्लेक्सरल, इस तरह की कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आती हैं, और हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग एपरेटस द्वारा टेस्टिंग करते हैं, और जो हमें क्या बताती है, सैंपल पर हमारा अलग अलग बिहेवियर बताती हैं जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उसकी कंपेरिजन में। सबसे पहला हमारा टेस्ट है टेंसाइल टेस्टर अकॉर्डिंग टू ASTM D638। ASTM D, ये एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसको हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल या मेथड कहते हैं। ASTM क्या है हमारी, ASTM एक तरीके की हमारी डिक्शनरी है जिसमें कि सारे मटेरियल और उनकी टेस्टिंग के लिए सारा डाटा, किस तरह से हमें मटेरियल को सैंपल प्रिपरेशन करनी है, कौन से एपरेटस से, किस प्रेशर प्रोसीजर द्वारा हमें उसको प्रिपेयर करना है और कैसे हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है, इस बारे में सारी जानकारी मिलती है। टेंसाइल टेस्टर हमारा क्या होता है, जो कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें जो है बताता है कि किस सैंपल में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो उसकी कितनी होगी। जो इसमें हम मशीन यूज करते हैं वो टाइनस ऑल्सन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ASTM, और जो इसमें फोर्स हम अप्लाई करते हैं टेंसाइल फोर्स के नाम से जाना जाता है, और जो फोर्स हमारा वर्क करता है वो सैंपल के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, जिससे उसमें क्या होता है, एक एलोंगेशन होता है, और जो इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं या फोर्स क्रिएट करते हैं वो हाइड्रोलिक सिलेंडर या हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा इस पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा टाइनस ऑल्सन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन अकॉर्डिंग टू ASTM D638। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी मशीन है, यहाँ पर दो जॉ लगे हुए हैं, ये हमारा ऊपर लोड सेल होता है, और ये हमारा इसका हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल है जिससे हम इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल आप इसका देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया ये हमारा सिस्टमेटिक व्यू है। इसमें हमारा ये क्या है, लोड सेल है, और ये हमारे दो हाफ्स होंगे इसके, या दो जॉ हम इसको बोलते हैं, होल्डिंग ग्रिप्स बोलते हैं। यहाँ पर बीच में हमारा क्या रहता है, स्पेसिमेन या जिस भी मटेरियल की हमें टेस्टिंग करनी है या टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें उसकी फाइंड आउट करनी है, उसको हम क्या करते हैं, इन जॉ में फिक्स कर देते हैं। नीचे जो हमारा जॉ है ये हमारा फिक्स हाफ में रहता है, यानी कि ये फिक्स रहता है यहाँ पर अपनी जगह पर, और जो हमारा ऊपर का अपर जो जॉ है हमारा या फिर होल्डिंग ग्रिप है वो हमारी मूव करती है अप एंड डाउन लोड सेल के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है आप इसमें देख सकते हैं, यहां लिखा है मैंने फिक्स क्रॉस हेड स्पेसिमेन, ये मूविंग आप बेस है हमारा, और इसको हम जब हमारा स्पेसिमेन हम प्रिपेयर करते हैं तो यहां पर हमारे जब फिक्स हाफ में इसको फिक्स करने के बाद में एक हमारा अपर हाफ पे रहता है, और जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाना शुरू करते हैं ये हमारी जो मूविंग प्लेट है या मूविंग क्रॉस हेड है ये क्या करता है,
वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करता है। राइज करने से क्या होता है, जो हमारा स्पेसिमेन है इस पर एक लोड अप्लाई होता है या एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है और बीच में हमें जो है मटेरियल हमारा पतला होना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं नेक बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक बनने के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि लोड बढ़ते बढ़ते हमारा स्पेसिमेन ब्रेक कर जाता है, तो उस ब्रेक पॉइंट को हम क्या करते हैं, एलोंगेशन एट ब्रेक कहते हैं। और ब्रेक होने से सैंपल जो हमारा, उसको ब्रेक होने से पहले का जो टाइम होता है उसको हम एलोंगेशन एट ईल्ड बोलते हैं। ये हमारा सैंपल प्रिपरेशन जिस तरह से हम करते हैं, ये हमारी डंबल शेप सैंपल प्रिपरेशन कहलाती है, और ये हमारी एलोंगेशन, ये हमारी टेंसाइल ऑल्सन एपरेटस है जो कनेक्टेड रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। यहां से जो है हमें एक डिटेक्टर क्या करेगा, इसमें एक ग्राफ प्लॉट करता है, उस ग्राफ से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं और ग्राफ हमारा जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हमें देता है। जो सैंपल में हमारी डिफॉर्मेशन होती हैं एज अ लोड, लोड बढ़ने से जो उसमें डिफॉर्मेशन होती है, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे ये हमारा सैंपल है जिसमें हमने ये डंबल शेप में बना रखा है, यहां पर हमारी क्या होगी, पॉलीमर चेन इस तरह की होगी। जैसे जैसे हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे या इस पर स्ट्रेस लगेगा तो हमारी नेक बनना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, आप देख सकते हैं ये नेक यहाँ पर फॉर्म हो रही है। जब ये नेक बनेगी तो हमारी जो मॉलिक्यूलर चेन होगी वो स्ट्रेट लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ये इस तरह से हमारी नेक बन जाएगी, और जैसे ही फोर्स हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये चेन क्या होती है, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एलोंगेशन एट ब्रेक बोलते हैं। तो इसके आगे जो हमारा किस तरह से हमारा ग्राफ प्लॉट होता है या किस तरह से हम आगे स्ट्रेंथ कर्व से टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम आगे अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरी जानकारी देंगे आपको। धन्यवाद।